देखिए शुभ शगुन सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। नव्या तुमने ये क्या? शाना, पहले मेरे पति के कान भरती, उसे मेरी बुराई करती हो, फिर अच्छी वुमन का नाटक करती हो। ये नाटक बंद कर, पहले भाई साहब मेरे पति सबको रास्ते से हटा दिया और अब तुम नव्या के पीछे पड़ी है। एक बात ध्यान रख, मैं और ये ऐसा होने नहीं देंगे, समझी? आप दोनों क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कोई बुराई नहीं की तुम्हारी नव्या, पापा की कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा युग से। वाह, इतना झूठ बोलती हो यार तुम। नव्या, मैंने कहा सच बोलो। नव्या क्या कर रही हो? मैंने कहा सच बोलो। ये छोड़ो मुझे। मैंने कहा सच बोलो शगुन। सच बोलो शगुन। नव्या मैं जानती हूँ इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बचपन से ऐसे, पर मैं तुम्हारी, मैं तुम्हारी, मैं कह रही हूँ सच कबूल करो शगुन। ठीक है ना? कहीं लगी तो नहीं तेरे को? नव्या पे हाथ रख। अगर दोबारा मेरी ताई पे हाथ लगाया ना तो छोड़ूंगा ही तुम्हें, समझी तुम? क्या कर रहा है युग? हाँ मैंने ही वो छिपकली से भरा डब्बा वहां रख दिया था। नव्या से अभी क्या भी माफी मांग? तो तुम वही हो ना तुम्हें ताई के ऊपर छिपकली लगी थी। युग मेरी बात सुन, मेरी तरफ देख। अरे ताई तू जानती नहीं इसको, हाथ मत लगाना उसे, माफी मांग उससे। मैंने कहा माफी मांग उससे। मैं माफी नहीं मांगू उससे। मेरी बात सुन, अगर तूने नव्या से माफी नहीं मांगी तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, समझा? तू तुझे मेरी कसम है, माफी मांग उससे इसी वक्त। नव्या से माफी मांगियो? तू ऐसा क्यों कह रही है? तुझे पता है ना अगर तू मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तेरे सिवा और कौन है मेरा? पर इसने जो आज किया है ना इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। युग, निकल जाए यहां से। मैंने कहा जाओ। मारा नव्या जसवाल को मारा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, वो भी अपनी दो कौड़ी की बहन के लिए।
तुम देखो तुम्हें मैं क्या दिखाती हूँ, सबको जाके बताऊंगा तुमने मेरे साथ क्या किया। नव्या मेरी बात सुनो, नव्या क्या कर रही हो, ऐसे चिल्लाओ मत, देखो ऐसे चिल्लाने से बात और बढ़ जाएगी, ऐसे मत करो। अगर युग ने तुम पे हाथ उठाया तो तुम भी उठा लेती, ऐसे तमाशा मत करो प्लीज। तमाशा क्या होता है ना तुमको अब बताऊंगी मैं। भैया चिल्लाओ, देखो सब आ जाएंगे। भैया तुम दोनों की बात है आपस में। नव्या क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? मुझे आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी। हम बोलो। भैया वो युग ने मुझे। शुक ने क्या क्या हुआ बोल। वो मैं और युग बात कर रहे थे कि तो कि बहुत दिनों से घर में पार्टी नहीं हुई है ना, एक पार्टी तो होनी चाहिए। सक्सेस पार्टी, नए बिजनेस की पार्टी, पार्टी तो बनती है ना। इसी बात के लिए इतना बड़ा हल्ला, ये लड़की पागल हो गई है। अगर चिल्लाती नहीं तो पार्टी होती क्या? नहीं होती ना तो चिल्ला रही थी, अब तो पार्टी होगी ना। पार्टी तो होगी लेकिन उसके लिए थोड़ा माहौल भी तो बनाना चाहिए, तो चलो शुरुआत कर लो। आज शाम को घर पे पार्टी होगी। मेरे दिमाग की दही कर दी। अरे बाहर जाकर इतना चिल्लाई कि पूरा घर सर पर उठा लिया और फिर एकदम से शांत हो गई। अरे क्या रही है तू? अगर बाहर जाके भैया को सच बोल भी देती तो क्या हो जाता चाची? शगुन को घूरते, युग को डांटते, फिर मुझसे कहते कि सब कुछ भूल जाओ नव्या, शादी की है निभाओ, जैसी भी चल रही सब कुछ सॉल्व करो। ऐसा ही होता है ना, पर इस तरह मेरे दिल को ठंडक नहीं पहुंचती। अरे फिर तेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी कैसे ये तो बता। जब भैया शगुन को बिल्कुल उसी तरह पर मारेंगे जैसे युग ने मुझे मारा था। सोचिए भरी पार्टी में सबके सामने जब शगुन को थप्पड़ पड़ेगा तो कितना मजा आएगा।